दिनांक 21 अप्रैल 1890, विक्रम संवत 1946, वैशाख शुक्ल द्वितीय को रविवार के शुभ दिन प्रातः काल की मंगल वेला में सौराष्ट्र के उमराला गांव में प्रकाश जगमगा उठता है और इस दिन दो सूर्य उदित होते हैं। एक सूर्य आकाश में प्रखर गर्मी बरसाने को उदित होता है, जबकि दूसरा सूर्य लोगों के अज्ञान अंधकार का नाश करके सम्यक ज्ञान प्रकाश फैलाने के लिए उदित होता है। अनादिकाल से पर पदार्थों में से सुख लेने के लिए आकुलित हुई परिणति को परम शांत रस रूपी अमृत का पान कराने के लिए जैसे ज्ञान धारा प्रकट होती है, ठीक उसी तरह ये सूर्य उदित हुआ हो मानो ऐसा लगता है आज ग्रामवासियों के आनंद का पार नहीं है। प्रकृति भी आनंद से प्रमुदित हो रही है। हर रोज महाताप उत्पन्न करने वाला सूर्य भी आज कुछ शीतल हो गया है, ऐसा महसूस होता है। क्या कारण है? लोग आनंद से उल्लसित क्यों हो रहे हैं? वातावरण में प्रफुल्लता क्यों है? भारतवर्ष की रत्न वसुंधरा क्यों नाच रही है? गगन में दुंदुभिनाद क्यों सुनाई दे रहा है? क्योंकि दशा श्री माली वणिक परिवार में श्री मोतीचंद भाई के यहाँ कुजमबा माता की कोख से जगत का उद्धार करने के लिए एक पवित्र आत्मा का आगमन हुआ है। उमराला धाम भारत रोनी वर्षा जन म्यातार हार रे स्वर्ण भानु भर के ऊजम बा माता नानंदन नानंदकन ऊजम बा माता नानंदन नानंदकन शीतल पुनः मनोचंद रे स्वर्ण भानु भर के सगे संबंधी उस बालक की कोई अनोखी मुख मुद्रा देखकर तृप्त नहीं होते, माता पिता के हर्ष प्रसन्नता का पार नहीं है। ज्योतिषी बालक के भविष्य को देखने आता है और बालक को विस्मित नेत्रों से देखते ही रहता है और घोषणा करता है, अहो ये बालक तो जगत का तारणहार है। मानो आंगन में कोई असाधारण महात्मा पधारे हैं। पवित्र अलौकिक बालक के जन्म की बात सुनकर माता पिता भाव विभोर हो जाते हैं और बालक का नाम कांजी रखा जाता है। परिवार में कांजी सहित चार भाई हैं। सबसे बड़े दीपचंद भाई, फिर खुशाल भाई, उसके बाद स्वयं कांजी और लघु भ्राता मगन भाई। बाप दादा का मूल गांव गढ़धा, उनके दादा गांव के नगर सेठ और प्रमुख धनिक व्यक्ति थे। उनका नाम पुरुषोत्तम कुंवर जी था, परंतु वे गीगाकुरा के नाम से प्रसिद्ध थे। वे कवि थे
और काव्य रचना भी करते थे। गांव में सबसे पहला अनेक मंजिलों वाला मकान उन्हीं का था। वे वर्ष में जब धंधे का मौसम हो जाता तभी मात्र दो माह व्यापार करते और उससे जो आय होती उससे संतुष्ट रहते और अन्य 10 माह निवृत्ति से रहते। समय बीतने पर वे उमराला आकर बस गए। उमराला के नैसर्गिक वातावरण में बालक कांची बड़े होते हैं। अंतर में व्याप्त निर्दोषता, कोमलता, निस्पृहता और उदासीनता मानो बाह्य देह में भी छा जाती है। बचपन से ही उनका स्वभाव शांत और स्थिर है। उन होनहार महाप्रतापी पुरुष के मुख पर सौम्यता और वैराग्य की छाप ऐसी अंकित रहती है कि उनको देखकर लोगों के मन पर एक अमिट छाप पड़ जाती है। उनकी आंखों में बुद्धि और वीर्य का तेज सदा झलकता रहता है, जो किसी असाधारणपने और अलौकिकता का दर्शन कराता है। उनकी तीक्ष्ण दृष्टि, प्रत्येक वस्तु की गहराई में जाने की आदत, सर्वांग विचक्षण निरीक्षण और प्रत्येक बात के हार्द तक पहुंचकर निर्णय करने की शक्ति अजब गजब की है। अतिशय गौरवर्ण और कोमल शरीर देखकर उनके मित्र उन्हें मैडम कहकर चिढ़ाते हैं, जबकि रुई की पोली जैसा शरीर देखकर घरवाले उन्हें पुई कहकर बुलाते हैं। 7 वर्ष की उम्र होते बालक कांची धूलीशाला में पढ़ने जाते हैं। वहाँ ऐसी पद्धति कि पहले धूल में अंक लिखना सिखाते हैं और पक्का सीखने पर स्लेट में लिखाते हैं। बालक कांजी सबसे पहले सीखता है सिद्धो वर्णः समामनाः। इसका अर्थ है वर्ण उच्चारण की परंपरा स्वयं सिद्ध है। तीव्र स्मरण शक्ति और प्रखर बुद्धि के कारण बालक कांजी कक्षा में प्रायः प्रथम क्रमांक में उत्तीर्ण होते हैं। फिर भी वे शाला के लौकिक अभ्यास से संतुष्ट नहीं होते। उन्हें अंतर में खटक रहती है कि मैं जिसकी खोज में हूँ वह इस पढ़ाई में नहीं है। कभी कभी वह खटक बहुत तीव्र हो जाती है। एक बार तो वे बाल महात्मा सत्य के वियोग में माता से बिछुड़े बालक के समान खूब रोते हैं। होशियार विद्यार्थी होने के कारण एक बार शिक्षक ने कहा, मैं जो पाठ पढ़ाने वाला हूँ उसे पहले से पढ़कर आना, ताकि तुम क्या समझे हो और मैं क्या समझा रहा हूँ इन दोनों का अंतर ख्याल में आ जाए। लौकिक अभ्यास के साथ साथ जैन पाठशाला में धार्मिक अभ्यास भी प्रारंभ होता है और तेजस्वी विद्यार्थी होने से वहाँ भी प्रथम स्थान पर आते हैं। विक्रम संवत 1956 में अतिशय दुष्काल पड़ता है, जिसे छप्पनिया दुष्काल के नाम से जाना जाता है। 10 वर्ष के बालक कांजी पर इसका गहरा असर होता है। आसपास भूख प्यास से मरते हुए पशुओं को देखकर उनका मन तड़प उठता है। वे देखते हैं एक ग्वाला गाय पर सिर रखकर रोता है, उस गाय की आंख में भी आंसू हैं। ये असहनीय वेदना उससे देखी नहीं जाती, परंतु देखते रहने के अलावा वे और कर भी क्या सकते हैं। ये भयानक अकाल नन्हे से कांजी के हृदय में अत्यंत करुण छाप छोड़ जाता है। विक्रम संवत 1957। 11 वर्ष की आयु में वे एक बार जैन पाठशाला की सीढ़ियां उतरते हैं। तभी रतनचंद नामक श्वेतांबर तेरापंथी साधु को वैराग्य भरी मस्त चाल से चलते हुए देखते हैं। तुरंत होनहार महापुरुष के हृदय में मानो बिजली का करंट जैसा लगता है। अंतरंग में आश्चर्य होता है, आह कैसी वैराग्य की धुन, कोई साथी संगी नहीं स्वयं मात्र, कैसी अद्भुत दशा। इस प्रकार बचपन से ही उनका चित्त वैराग्यमय जीवन के प्रति आकर्षित होता है। बचपन से ही उनके व्यक्तित्व में नाशवान पदार्थों के प्रति उपेक्षा, शाश्वत हित की भावना, सत्यनिष्ठा, विचारशीलता, निर्भीकता, प्रामाणिकता जैसे अनेक आदर्श सद्गुण विकसित होते हैं। उनकी शाला का सहपाठी बचपन का एक मित्र है, उसका नाम सुंदरजी रूपा है। उसे ऐसी आदत है
कि नाक का मैल निकालकर दांतों के बीच दबाए और फिर जीभ से स्वाद ले। मित्र भाव से कांजी बड़े प्रेम से बार बार समझाते, सुंदर जी तो ये क्या करता है, तुझे ये शोभा नहीं देता। तब शर्माकर सुंदर जी नीचे देखकर कहता, भाई मैं क्या करूं, मुझे आदत पड़ गई है। इस दुष्टांत का ये सिद्धांत है कि इस जीव को भी राग द्वेष रूपी अशुद्धता का स्वाद देने की ऐसी ही आदत पड़ी है ना, समझ में आया। कालांतर में जैनशाला में किए जाने वाले धार्मिक अध्ययन की रुचि प्रेम से लौकिक पढ़ाई का रस घटता जाता है। भूमिति में उनका रस कम है। एक बार शिक्षक ध्यान खींचता है, अन्य विषयों में जैसे तुम्हारा प्रथम नंबर आता है उसी प्रकार भूमिति में भी प्रथम नंबर आना चाहिए। शिक्षक को क्या मालूम कि बालक कांजी ने भूमिति का अभ्यास छोड़कर कब से तीन भुवन में सारभूत अभ्यास में अपना मन लगाया है। एक बार शिक्षक ने कहा, जैनशाला की पढ़ाई में कम ध्यान दो तो भी चलेगा। तब विद्यार्थी कांजी ने कहा, मेरे लिए तो जैनशाला का अभ्यास ही प्रथम और मुख्य है, यदि उसमें से समय मिलेगा तो ये पढ़ाई है। उसके बाद 13 वर्ष की उम्र में छठी कक्षा तक पढ़ाई करके वे लौकिक शिक्षा को तिलांजलि दे देते हैं, जो भविष्य में धर्मात्मा लोगों को मुक्त होने की विद्या सिखाने वाले हैं। उन्हें ऐसी तुच्छ लौकिक पढ़ाई में रस आ भी कैसे सकता है। कांची के घर के बाजू में मूलजी भाई नामक एक ब्राह्मण रहते हैं, जिन्हें कांजी मूलजी मामा कहकर बुलाते हैं। वे नहाते समय गाया करते, अनुभवी ने कलुरे आनंद मरमुरे, बजुआ परिब्रह्म ने बीजू काइने कहुरे, बजुआ परिब्रह्म ने बीजू काइने कहुरे। इसलिए मामा को बहुत बार पूछते, मामा आप ये क्या गाते हैं। तब मूलजी मामा कहते, मुझे इसका अर्थ नहीं मालूम। ये सुनकर कांजी हंसते और कहते, मामा आप गाते हैं तो भी आपको इसका अर्थ नहीं मालूम, ऐसा कैसे चले। विक्रम संवत 1959 यानी सन 1903 में उमराला में प्लेग फैलता है। इस रोग से बालक कांजी को बचाने के लिए माता उज्मवा अपने लाडले पुत्र को उमराला से दूर गारियाधार गांव भेजती है। बालक कांजी को ले जाने के लिए बैलगाड़ी तैयार है। तब माता ने कहा, बेटा कन्नू, बेन को साई यानी स्मरण कहना। ये है माता से सुने हुए अंतिम शब्द और माता पुत्र का अंतिम मिलन, क्योंकि बाद में गारियाधार में समाचार मिलता है कि 48 वर्षीय माता उज्मवा ने सदा के लिए विदा ली है। गारियाधार में निवास के दौरान संस्कृत सीखने के लिए 1.5 माह की निजी ट्यूशन रखते हैं, जिसमें पंच संधि तक पढ़ते हैं। एक बार शिक्षक से पूछते हैं, दश अष्ट ठाणा अर्थात क्या, 10 × 8 = 18 या 10 × 8 = 80। तब शिक्षक ने कहा, मैं नहीं जानता, शास्त्रानुसार जो अर्थ हो वो समझना। तब उनके मन में विचार आता है कि मातृभाषा ज्ञान से शास्त्रों के भावों का सच्चा ज्ञान होगा नहीं, उसके लिए तो गुरुगम और शास्त्र का गहरा अभ्यास चाहिए। उनके सबसे बड़े भाई दीपचंद जी का स्वर्गवास 28 वर्ष की यौवनावस्था में विक्रम संवत 1957 यानी सन 1901 में हुआ था, और अब विक्रम संवत 1959 में माता का भी वियोग होता है। सभी भाई छोटी उम्र के, पिताजी अकेले पड़ जाते हैं। इस कारण और व्यवसाय के लिए रिश्तेदार पिताजी को पालेज बुलाते हैं।